खबर उत्तर प्रदेश बलिया जनपद से, जहां आजादी की लड़ाई में अभूतपूर्व भूमिका निभाने वाले अमर शहीद राजकुमार बाग को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक गोरख पासवान, पूर्व मंत्री नारद राय समेत जनपद के गणमान्य व्यक्तियों ने जिला कारागार स्थित अमर शहीद राजकुमार बाग की प्रतिमा पर पहुंचकर शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व विधायक गोरख पासवान ने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाग को याद करते हुए आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका और कुर्बानी को बताते हुए कहा, उनका जो बलिदान आजादी की लड़ाई में है बलिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में मौजूद है। वहीं पूर्व मंत्री नारद राय ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद राजकुमार की शहादत को याद करते हुए कहा कि ऐसे बहादुर सेनानी विरले ही पैदा होते हैं। राजकुमार बाग ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, भूमिगत रहकर भी उन्होंने आजादी की लड़ाई में जो भूमिका निभाई ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसी से परेशान होकर अंग्रेजों ने उन्हें गोली मार दी। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकुमार बाग का जन्म सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सिसोटार में एक दलित परिवार में 1890 में हुआ था। राजकुमार बाग के पिता का नाम अदालत था। पिता कृषि पशुपालन के साथ ही सिकंदरपुर के चौकीदार पद पर कार्य थे। इसी दौरान अंग्रेजों द्वारा जनता के ऊपर जो जुल्म हो रहा था, शहीद राजकुमार उससे काफी आहत थे। बाद में शहीद बाग ने पिता की मृत्यु के बाद पिता की जगह चौकीदार बन गए। इसी दौरान 1915 में कांग्रेस के सदस्य बने और गांधी के आंदोलन में कूद पड़े। आजादी की लड़ाई के दौरान ही राजकुमार बाग ने सिकंदरपुर थाने और 20 गोदाम को जलाने में उनकी अहम भूमिका रही। इसी से गुस्साए अंग्रेजी हुकूमत ने कोर्ट में आकर उनका घर जला दिया और पूरे परिवार को गोली मारने का आदेश जारी कर दिया। राजकुमार बाग तब भूमिगत होकर अंग्रेजों के दांत खट्टे करते रहे और बाद में परेशान होकर ही अंग्रेजों ने राजकुमार को बाग की उपाधि दी। बाद में 1943 में अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया और 23 मार्च 1943 को जेल में ही उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया गया। बलिया की इस धरती से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले एक तरफ शेरे बलिया जीतू पांडे हैं, दूसरी तरफ महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकुमार बाग भी हैं। यानी शेर और बाघ दोनों बलिया में ही जन्मे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी उनका परिवार उपेक्षित है। बलिया जनपद से आशीष सिंह बिसेन की रिपोर्ट। आप लोग आए हैं, क्या है यहाँ पे कार्यक्रम? आज जो है राजकुमार बाग का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। ये यही जेल में जब स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई चल रही थी तो इसी जेल में जो है वो बंद थे और अंग्रेजों ने जो है आज ही के दिन जो है उनको फांसी के फंदे पर झुलाया था। और ये एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और सब लोगों ने जब मिल करके लड़ा, चाहे गरीब हो चाहे जो भी राष्ट्रप्रेमी लोग रहे, एक साथ मिल करके लड़े, देश जो है आज़ाद हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी जो है चार एक फिर उसी तरह से विषमता के आधार पर समाज को खड़ा करके फिर जो है समाज को वही पीछे की स्थिति में ले जाना चाहती है जिसे हमारा देश जो है गुलाम हुआ था। अब जो है गरीब भी जो है जागरूक हो गए हैं, गरीबों में भी जो है आज जो है यूनिटी बन गई है कि हम राष्ट्र के नाम पर मरे मिटेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो है देश से ही नहीं बल्कि ये हमारे प्रदेश से और देश दोनों से जो है उखाड़ करके फेंकेंगे। यही हम लोगों का आज उद्देश्य है और हम लोग मिल करके आज जो है इनकी 23 मार्च को 1947 को तब से जब मार दी, उसके बाद हम तो बहुत लड़ाई लड़ी। कांग्रेसियों ने एक बात सुनी हमारी, उन्होंने हमको खेत दिया, न कुछ जमीन दिया, सबको 33 एकड़ मिल गए, अपने भाई भतीजों को दिया, अपने कुलमों तो को फर्जी बना बना दिया। आश्रित है ना, मतलब आप बेटे हैं तो हमको नहीं मिला ना, कि हमको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते हमको खेत मिलना चाहिए था 33 एकड़। और सब मिली सुविधा? सबको मिला, लेकिन कोई सुविधा आज तक नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं। सब हम रिकॉर्ड रखे हुए हैं, मजिस्ट्रेट से चेकिंग कराई सरकार ने, वो सब लिख करके डीएम ने लिख के दिया कि इनके पास आज तक कुछ नहीं सुविधा दी गई है, वो हमारे पास रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ। आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम बेघर घर के हैं, हम जहाँ रहते हैं ये है, इनके यहाँ हम रहते हैं, इनके आज भी रहते हैं, आज भी आज की तरह हमारे पास घर नहीं रहेगा। हमारा घर फूक दिया गया, डीएम ने लिख के दिया वहाँ पर उसका मुख्यमंत्री को कि इनका घर नहीं है, इनको घर या तो बनवा दें या तो इनको पैसा दें ताकि घर बना कर रहें, लेकिन नहीं सुनाई हो रही है। आपने मांग की कभी आवाज़ की? इतना मांग की, इतना लिखा पढ़ी कही आपको लेकर सामने रख दे, 25 किलो है हमारे पास लिखा पढ़ी कागज, इतना कम नहीं है। मतलब सरकार आपको सुनानी नहीं मान रही? कोई सरकार कर, ना कांग्रेस सुनी, सपा सुनी, भाजपा सुनी, सपा सुनी, किसी ने सुना। सर एक मिनट, तमाम जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके पुत्रों को उनके पौत्रों को उनका आशीर्वाद माना जाता है, आपको नहीं माना जा रहा है? जी नहीं माना जा रहा है, इसलिए नहीं माना जा कि चूंकि हम संवर्ण के नहीं है ना, हम भी संवर्ण के होते तो हमारा भी घर बना दिया गया होता, हमको अच्छा खासा मिलता। ये तो आप राजकुमार बाग जी, अमर शहीद राजकुमार बाग जी के यहाँ पे प्रतिमा पे मल्यार्पण किया, पूरी विस्तार से बताइएगा राजकुमार बाग जी के बारे में। देखिए
यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि समाज में रहने वाले हर तबके के लोग, चाहे जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, मजहब के हों, धनी हों, गरीब हों, आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के एक इशारे पर खेत से लेकर के और स्कूल से लेकर के रोजगार को लेकर के सब छोड़ कर के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका की रही। मैं बहुत ही साफ वही से कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में माननीय संजय उपाध्याय जी हैं, पूर्व चेयरमैन हैं, पूर्व विधायक गोरख पासवान जी हैं, हमारे प्रदेश के नेता हैं मिठाई लाल भारती जी, चंद्रशेखर जी हैं हमारे नेता हैं, कि हम सब लोगों ने जो समझा है और जाना है कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा अगली कतार में गरीब ही खड़ा था। गरीब ही की देन है कि उसकी कुर्बानी का कि आज हम सब लोग स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार चल रही है वो फिर हमको गुलामी की तरफ ले जाना चाहती है। इसलिए स्वर्गीय शहीद राजकुमार बाग जी सहित सरीके लोगों को के पुण्यतिथि पर, जन्मदिन पर उनको याद भी करना है और आने वाली नस्लों को भी बताना है कि जो कुर्बानी हमारे पुरखों ने दिया उस कुर्बानी को कायम रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान से और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश से खात्मे की ज़रूरत है।